हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं डॉक्टर नेहा और आज हम बात करने वाले हैं मीलिया के बारे में। देखिए, मीलिया सफ़ेद रंग का छोटा सा सिस्ट होता है जो आपकी आँखों के आसपास आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है या फिर आपके लिप्स के आसपास। वैसे तो ये बॉडी के किसी भी पार्ट को अफेक्ट कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर हमें ये फेस पे देखने को मिलता है। मीलिया एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम होती है, जैसे कि ब्लैक हेड या वाइट हेड की तरह। कुछ लोग वाइट हेड के साथ कन्फ्यूज हो सकते हैं, लेकिन मीलिया और वाइट हेड कम्प्लीटली डिफरेंट हैं। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों अलग अलग प्रॉब्लम हैं। देखिए, मीलिया कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं है, कोई इन्फेक्शियस प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये एक से दूसरे में नहीं फैलता है। प्लस इसमें कोई सिम्टम आपको देखने को नहीं मिलता है, मतलब इसमें कोई बर्निंग नहीं होती है, कोई इचिंग नहीं होती है, कोई पेन नहीं होता है। क्यों हो जाते हैं मीलिया, कॉजेस क्या हैं, कारण क्या है इसके पीछे? तो देखिए, हमारी जो स्किन है, सेम हमारे बालों की तरह या हमारे नाखून की तरह, इसमें भी केराटिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है। अब हमारे स्किन से डेड सेल रिमूव होते रहते हैं, मतलब इसकी शेडिंग होती रहती है। कभी कभार ऐसा होता है कि जो केराटिन प्रोटीन है, ये कहीं कहीं पे जम जाता है, पोर्स के साथ क्लॉग हो जाता है और वो प्रोटीन बाहर नहीं आ पाता, तो वहाँ पर मीलिया बन जाता है। क्यों बनता है मीलिया? अगर आप अपनी स्किन का कम ध्यान रखते हैं, आप अपनी स्किन को एक्सफोलिएट नहीं करते हैं, प्रॉपर उसे वॉश नहीं करते हैं, ऑयल बेस्ड जो प्रोडक्ट हैं उनका ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसकी वजह से आपको मीलिया बन जाता है। मीलिया कई टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कि नियोनेटल मीलिया। इसमें क्या होता है, जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं ये उनमें देखने को मिलता है, लेकिन विद इन अ 15-20 डेज़ के अंदर ये खुद ही ठीक हो जाते हैं। देन है प्राइमरी मीलिया। ये अडल्ट एज ग्रुप जो होता है, टीन एज के बच्चे जो होते हैं, उनमें ज़्यादातर देखने को मिलता है। देन है सेकेंडरी मीलिया या ट्रॉमेटिक मीलिया। इसमें क्या होता है, अगर आपको बर्न हुआ है, इंजरी हुई है, या फिर आप बहुत ज़्यादा सनलाइट में काम करते हैं, तो ये मीलिया आपको बन जाते हैं। नेक्स्ट है मल्टीपल इरप्टिव मीलिया। इसमें क्या होता है, आपको एक ही जगह पे बहुत सारे मीलिया देखने को मिलते हैं, मतलब अगर आपकी आंखों के आसपास मीलिया है तो वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे आपको एक साथ काफ़ी सारे मीलिया दिखेंगे। नेक्स्ट है मीलिया एंड प्लाक। इसमें क्या होता है, ये 40-60 एज ग्रुप की फीमेल्स को ज़्यादातर अफेक्ट करता है। इसमें बहुत सारे मीलिया मिलके एक सिस्ट जैसा आपको बन जाता है। ये मोस्टली आपको कान के पीछे या आपको नेक में, बहुत रेयरली आपको फेस पे देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं इसके प्रिवेंशन और मैनेजमेंट के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको अपनी डेड स्किन जो है वो जमा नहीं होने देनी है। इसके लिए आपको मंथ में कम से कम 2 बार एक्सफोलिएशन ज़रूर करना चाहिए। आपको दिन में 2 बार फेस वॉश करना चाहिए। अपने वाटर की जो क्वांटिटी है वो आपको बढ़ा देनी है, मतलब वाटर इंटेक जो है वो आपको अच्छी मात्रा में करना है। इसके अलावा आपको सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करनी चाहिए। अगर आप धूप में जा रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी की सनस्क्रीन आपको यूज़ करनी चाहिए, जो ऑयल बेस्ड ना हो। इसके अलावा मेकअप भी आपको ऑयल बेस्ड मेकअप या फिर ऑयल बेस्ड जो मेकअप रिमूवर होते हैं वो आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। इससे जो मीलिया है वो आपको काफ़ी हद तक कम बनेंगे। अब बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो देखिए, ट्रीटमेंट में जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं वो एक स्टरलाइज सिरिंज लेते हैं और आपकी जो मीलिया है उसको प्रिक करते हैं। उसके अंदर जो भी प्रोटीन होता है, जो भी केराटिन इकट्ठा हुआ होता है, उसको बाहर निकालते हैं। तो इस तरीके से आपका मीलिया ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आपको मल्टीपल मीलियाज हैं तो आप इतना ज़्यादा आप इस ट्रीटमेंट के लिए कम्फर्टेबल नहीं रहेंगे। इसके अलावा ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि आपने एक बार ये ट्रीटमेंट लिया और ये चीज़ ठीक हो जाए। मीलिया के रिकरेंस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं, मतलब मीलिया आपको दोबारा दोबारा हो सकते हैं। तो इसके लिए कि मीलिया आपको दोबारा ना हो, प्लस आपको मीलिया है और वो इजीली डिसॉल्व हो जाए, इजीली गिर जाए, तो इसके लिए आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। होम्योपैथी से आपका जो मीलिया है वो जल्दी क्योर हो जाएगा। इसके अलावा नए मीलिया आपको नहीं बनेंगे। हमें ऑनलाइन कंसल्ट करने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई होप मीलिया के ऊपर ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रही हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। कोई भी कन्फ्यूजन हो या आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। तब तक अपना खास ध्यान रखें। धन्यवाद।